तो यार ये भी हालत है एयर फिल्टर की, बिल्कुल अंकल चोक हुआ है। तो भाई ये है पूरा कॉन्क्रीट रोड उधर का। अभी तो हम अपने पेपर्स वगैरह हैं जो हमने परचेज करे हैं हर गाड़ी के पेपर्स, वो अब आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। हम दिखाएंगे अपने पेपर्स, बाकी लोगों को बोलना वो भी अपने पेपर्स दिखा दें। सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड लाइक द बेल आइकन। वेल सो गाइस, हम व्लॉग्स बैक एंड गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड जैसा आपको पता है कि जो मेरा नया घर है, मेरे को उसके लिए बड़ा बहुत सामान चाहिए था, लेकिन मेरे को उसके लिए चाहिए था मैट्रेस। जो मैट्रेस मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी ऑर्डर। जो मेरा मैट्रेस लगभग वो आ जाएगा 7 दिनों में, क्योंकि जो मेरा मैट्रेस का साइज है वो है कस्टम साइज। एंड जो मेरा बेड है वो लगभग आ जाएगा कल परसों में। एंड जो एग्जॉस्ट है अपनी ऑडी R8 का, भाई वो होने वाला है बहुत ज़्यादा मेन चीज़, क्योंकि भाई उसका वेट आप सब लोगों को है एंड मेरे को उसका वेट बहुत ज़्यादा है। जो एग्जॉस्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है, बट द मेन थिंग इज जो मैंने उसके साथ में चीज़ें और ऑर्डर करी है। लाइक मैंने उसके साथ में लिया मैंने स्टीयरिंग व्हील एंड मैंने ऑल्सो ऑर्डर करा साथ में एक बॉडी किट की, वो भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इसलिए यूज कर रहे हैं बाहर से इंपोर्ट। तो मेरा कैसे मैं सोचा हूँ कि जितनी भी हर चीज़ें वो लगाऊँ मैं इकट्ठी, लाइक एक करके अगर मैं लगाऊंगा तो एक तरह से वो मज़ा नहीं आएगा मेरे को। तो मैंने भैया को मैंने बोल रखा कि भैया एक काम करना, इसी तीनों चीज़ें आ जाएंगी इकट्ठी, मेरे को फोन कर देना, मैं उसी दिन आ जाऊँगा लगवाने के लिए। तो जो चीज़ें लगभग आ जाएंगी नेक्स्ट 15-20 दिनों में, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ पीने के लिए कॉफ़ी, मेरे को बहुत ज़्यादा एक तरह से होती है ना नीड सी हो रही है कॉफ़ी की। तो चलते हैं मेरे नीचे अंकल से बात करते हैं, चलते हैं आगे करते हैं ब्लॉग कंटिन्यू बिना किसी देरी के। सो लेट्स गो। Well, so what's up guys, I'm vlogs back here. तो अगर शिफ्टिंग मेरे को करनी है तो जो पूरा मूवेज एंड पैकर्स हैं वो मेरे लेके जाएंगे क्लोथ्स। आई नो उसकी बात कर चुका हूँ मैं प्रीवियस वाले व्लॉग में, बट अभी मेरे को मम्मा ने बोला कि ये जो तीनों चीज़ें हैं मैक, मॉनिटर एंड पीसी, इसको मैं उनसे पैक करवा लूँ। और तो मेरी मर्जी इसको मैं लेके जाऊँ खुद से उनको दे दूँ, बट मेरे को मैंने बोला कि उनसे पैक करवा लूँ मैं, क्योंकि इससे कुछ होगा नहीं चीज़ों को, और पैक भी अच्छे से करके दे देंगे मेरे को। जो PS5 है ये भी मेरे को लग रहा है कि मैं उनको ही दे दूँ, बट अभी कुछ नहीं पता मेरे को, क्योंकि भाई मेरा अभी पूरा दिल पता क्या कर रहा है कि जो पूरी टेबल है यहाँ से ये पूरी टेबल है और ये पूरी जो टेबल है ये मैं खुद से ही करूँ अपने पूरे घर में ट्रांसफ़र। तो पता नहीं अभी क्या करा जाए। चिराग भैया मैंने सबको तो बोला हुआ है, मेरे को बोल रहे हैं जैसा तू बोलेगा वैसा ही हम कर देंगे, बट यार अगर इसको कुछ भी हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी इसकी वारंटी मेरे को इंडिया में मिलेगी नहीं, क्योंकि इसको मैंने पूरा लिया था दुबई से, तो फिर जाना पड़ेगा दुबई ही। वैसे भी अभी कर रहा हूँ मैं प्लान दुबई जाने की लगभग लास्ट अप्रैल या स्टार्टिंग वीक ऑफ मई, क्योंकि मेरे को वहाँ से बहुत ज़्यादा मिल जाएगा अच्छा डिस्काउंट चीज़ों पर जो भी मैं खरीदूंगा। लेकिन अगर मेरे को लेना है मॉनिटर तो मेरे को वहाँ से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरे को लेना है टीवी तो मेरे वहाँ से अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसलिए भी मैं थिंकिंग कि वहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ, क्योंकि मेरे को दुबई तो जाना ही जाना है, या तो इस मंथ के एंड में या तो मई के स्टार्टिंग में। सो लेट्स सी क्या सीन बनता है। एंड गाइस वन मोर थिंग, मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे मैं आप हमेशा रहोगे अपडेटेड। तो चिराग भी ने करा दी आज भी कटिंग टू फिट एंड हिल से। कितने भाई 2,500 रुपये की कटिंग करवाई है? चलो बढ़िया, अंकल की भी हमारी कैटेगरी में आगे फिर आज से। हाँ पक्का भाई, शेव करवाई भाई, सब पे इसी पे चिड़े पड़े हैं सब कि कटिंग करवा ली 5,000 रुपये की। तो अभी आ गए क्लब रोड पे, और अंकल चिराग भी आज गए थे बाल कटवाने के लिए ट्रू फिट एंड हिल के अंदर। हाँ भाई बता रहे थे, हाँ भाई बता रहे थे, मेरा मजा आ गया सुनने का, क्योंकि अंकल सबके पास सबको इसी की से दिक्कत हुई है 5,000 रुपये की कटिंग से बहुत ज्यादा। तो अंकल अभी कहाँ जा रहे हैं बताओ? बस भैया फर्स्ट पड़ाव तो वही कॉफी पीने। चलो बहुत दिनों बाद अंकल कॉफी पी रहा हूँ आज। हाँ भाई, क्योंकि यार मेरे को मैंने थोड़ा मना करा कॉफी पीने से, क्योंकि इसका जो मेरा BP है ना थोड़ा उससे हो जाता है हाई कैफीन से। तो लेट्स गो। वैसे यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं है क्योंकि संडे का दिन है। A few moments later. तो अब मेरे को आगे समझ यहाँ पे जाम क्यों नहीं है, तो वहाँ पे खड़े हैं बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स, पीछे भी खड़े हुए थे, और अंकल इसीलिए जाम नहीं है, आज मेंटेन्ड है पूरी रोड। और अंकल कहीं भी सड़क पे कहीं भी किसी ने गाड़ी भी नहीं खड़ी कर रखी, बिल्कुल नहीं। ये देखो बिल्कुल आज यहाँ पे कोई जाम नहीं, तो यहाँ पे पूरी ना मतलब इतना तगड़ा जाम लगा होता है। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे ले ली अपनी कॉफ़ी स्टारबक्स से, और अब चल रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो अभी जहाँ मैं कहता स्टारबक्स में वहाँ पे मेरे से फोल्ड गिर गया ये वाला, तो इसलिए बस सामने जो स्क्रीन गार्ड है इस पर थोड़ा आया था स्क्रैच वगैरह, तो इसलिए अब ये चेंज करवा रहा हूँ। सिर्फ सामने का और साइड का ये पैनल, कोई दिक्कत नहीं, बस इसे चेंज करवाने आ गया। हाँ भाई आपका फोन ठीक हो गया अंकल होली वाले दिन? हाँ ठीक तो हो गया भैया, 100 रुपये फालतू दिया हूँ, लेके आया हूँ जो 200 रुपया बैलेंस रह गया तो। तो यार जो अपनी A क्लास है ना इसका मेरे को अभी करना पड़ेगा साफ एयर फिल्टर, क्योंकि मेरे को लग रहा है अंकल गंदा हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट इसको साफ़ करना पड़ता है हर 3-4 महीने में, और इसको हमने साफ़ नहीं करा 8 महीने से। ठीक है अंकल एलन की दो, यहाँ से सारे नेट खोल दूंगा, उसके बाद इसको साफ करते हैं वॉश करते हैं। तो यार ये भी हालत है एयर फिल्टर की, बिल्कुल अंकल चोक हुआ है, बिल्कुल चोक, और ये वॉशेबल है। तो चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है अभी ये चलेगा। 1 लाख किलोमीटर इसकी लाइफ होती है K&N की। चलो उसको थोड़ा सा करते हैं क्लीन, फिर दोबारा लगा देंगे उसके अंदर। और गाइस ये लग गया मेरा फैन, जो फिन्स है ऊपर से वो ओपन हो जाते हैं जब ये इसको हम करते हैं ऑन, जब पूरे क्रिस्टल्स हैं, और बीच में इसकी लाइट भी है, और ये है इसका रिमोट। और फैन अभी इसमें लगाया है, जो कनेक्शन है वो कल परसों में कर देंगे ये। तो फाइनली भाई मेरा फेवरेट फ़ैन यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे इसके अलमीराज हैं, तो यहाँ पे हरे मेरे क्लोथ्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक और अलमीरा है रैंडम स्टफ रखने के लिए, और नीचे ड्रॉर है, तो यहाँ पे ऐसे पूरी शेल्स वगैरह भी बनी है। और मैंने ना पूरा इनको कहा था कि जो पूरा टच है ना थोड़ा ब्लू को दे देना, लाइक वाइट एंड ब्लू दे देना टच, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा मैच कर रहा है सिमेट्री और सही भी लग रहा है। और यहाँ पे फिल्म भी लगी है, जैसे जो सन है वो बिल्कुल मेरे रूम में ना आए। और कुछ मम्मा ने अभी ऐसी लाइटिंग करवाई है किचन के अंदर, और यहाँ पे भी लाइटिंग है देखो एंट्रेंस पे गोल्डन कलर की, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड ये है गेस्ट रूम, व्हाट्सअप गाइज। यहाँ पे फ़ैन ही वाला लगा है, इसमें लाइट्स लग जाएंगी फ़ैन के अंदर, तो ये भी कुछ अलग सा फ़ैन है। और गाइज़ ये है मेरे रूम का वॉशरूम, यहाँ पे अभी लग जाएगा मिरर, और यहाँ पे है शावर, और यहाँ पे लगा है एग्जॉस्ट फैन। इसके आसपास भी मैं लगवा रहा हूँ फिल्म, ताकि जो सनशाइन है यहाँ से भी ना आए। तो मेरे को भी पापा ने बोला कि जाकर के मैं ले लूँ स्विच बोर्ड, होगी जितनी मेरी मेन चीज़ें थी फैन वगैरह वो लग चुके हैं, तो अभी स्विच बोर्ड मैं लगवा रहा हूँ। एक मैं ले रहा हूँ ऐसे वाला और दो मैं ले रहा हूँ इंडियन वाले, कुछ ऐसा सा। तो ये ऐसे मैं तीन टोटल सॉकेट्स ले रहा हूँ और प्लग्स ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलो, और बोर्ड भी ऐसे लग जाएंगे बढ़िया वाले। तो जैसे भी मेरे लगे मैं घर के अंदर वैसे ही सारे मैं ले रहा हूँ, और क्योंकि मेरे को थोड़े एक्स्ट्रा बोर्ड चाहिए होते हैं, तो इस रीज़न से। तो मैंने ले लिया हरे स्विच बोर्ड, एक मैंने लिया है बड़े वाला, इसमें आ जाएंगे 4 प्लग्स, और एक मैंने लिया है छोटे वाले, इसमें आएंगे 2 प्लग्स। तो ये दोनों लग जाएंगे बेड के साइड में, और ये लग जाएगा टीवी के सामने। 6 hours later। तो यार यहाँ पे अभी एंट्री में करके हमने रोड, वहाँ पे आया हुआ है रोड रोलर, वहाँ पे आ चुकी है क्रेन। अब वो क्रेन क्यों है वो बता देता हूँ कि जो होंडा सिटी एक बंदा यहाँ पे खड़ी करके अभी चला गया ऐसे ही, एंड जो हमारी इको स्पोर्ट है मर्सिडीज हमने खड़ी कर रखी है ऐसे कि जो रोड है वो अच्छे से बन जाए। बट आई थिंक जो ये वाला बंदा इसको पता नहीं था कि रोड बननी है, तो इस जो रोड रोलर है आगे हो जाएगा, जो क्रेन है वो इसको ठीक कर देगी होंडा सिटी को, एंड जो ट्रक है फिर हरे शुरू हो जाएंगे अपने काम पर। और इस वजह से अभी हो गया डिले 1 घंटे का, नहीं तो जो काम अभी तक शुरू हो भी चुका होता, इसलिए अब करेंगे इसको ये आगे रोड रोलर को। तो भाई देखो यहाँ पे जो ट्रक है वो कर रहे हैं अभी रिवर्स, ताकि जो क्रेन है वो आ जाए और कनेक्ट हो जाए होंडा सिटी के अंदर। वो क्रेन आ गई है भाई, ये एक गाड़ी के चक्कर में देखो इतनी हरकतें हो रही हैं। भाई देखो वो कनेक्ट हो रहा है अभी होंडा सिटी में क्रेन, तो अब यहाँ पर होगी कनेक्ट रॉड, एंड अब गाड़ी उठ जाएगी इससे। उठ गई देखो भाई, गाड़ी गई देखो ऐसे, अब वो चली गई होंडा सिटी। अब जब बंदा आएगा ना जो उसने सुबह लगाई थी भाई, वो देख के हैरान हो जाएगा मेरी गाड़ी कहाँ चली गई। तो भाई जो गाड़ी है ना होंडा सिटी मैंने यहीं पे लगवा दी है भैया को बोल के, भैया गाड़ी कहीं और मत लेकर जाओ, नहीं तो जो बंदा उसकी दिक्कत हो जाएगी। और गाड़ी अब यहीं पे छुड़वा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने अभी आइसक्रीम भी ले ली भैया से, ये हैवमोर वाले भैया जा रहे थे आगे से, इसलिए मैंने आइसक्रीम ले ली अपने लिए। पापा के लिए कुल्फ़ी है, मेरे लिए है ये रसभरी वनीला। तो यहाँ पे है ट्रक, यहाँ पे एक और ट्रक है, इसमें सारा सामान है, और यहाँ पे है रोड रोलर। और अभी ये जो गाड़ी है ये साइड करवाई है, और एक बार चलते हैं आपको दिखाता हूँ मैं पूरा इसका अंदर से कैसा है और रोड रोलर, ठीक है। तो भाई ये है पूरा कॉकपीट रोड रोलर का, ये इसकी बैटरी वोल्टेज है, ये इसका स्टीयरिंग है जो कि पावर स्टीयरिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। और यार यहाँ पे आ गया एक ट्रैक्टर भी, और ये इसकी ब्रेक, और यहाँ पर इसकी है रेस इसको आगे करने के लिए, और यहाँ से इसका कुछ है सिस्टम रिवर्स का, इसको नीचे करना तो हो जाएगी रिवर्स। मेरे को भी बताया मेरे को भाई भैया ने, फिर ऐसे सीन होता है, ठीक है। बट यार कुछ अलग सी चीज़ है यार ये। तो एक बार ये देखना भी, इसको ऑन कर रहे हैं, फिर इसको आगे करेंगे। ये जस्ट लुक एट दिस यार, प्रॉपर फ्लैट है ये देखो। तो यार अभी यहाँ पे आ गया ट्रैक्टर, वहाँ पे बन रही है पीछे रोड। तो मैंने पूछ लिया भैया से कि इस पर मैं वीडियो बना लूँ, उन्होंने बोल दिया ठीक है बना लो। और अभी मैं इस पर बैठने वाला हूँ। आपको याद है मेरे कितने टॉयस थे इस ट्रैक्टर के? टोटल ट्रैक्टर के टॉयस थे, और इसके अलावा तो कोई पसंद ही नहीं आता था, सिर्फ ट्रैक्टर पसंद था मेरे को। घरे ले जाते थे तो ट्रैक्टर देख करके उस पर बैठना है, बस को देखो उसको बिठाया था। मतलब मेरे पास कम से कम उसके 100-150 टॉयज तो होते ही थे, और मैं रोज एक नए टॉय तोड़ता था, है ना। फिर नए मेरे लिए टॉय में चलाते थे। तो अब मैं बैठ रहा हूँ एक बार ट्रैक्टर पे, कम से कम बहुत टाइम बाद। कुछ ऐसा है ये, यहाँ आई थिंक इसका क्लच चाहिए, ये इसका गियर नॉब है। अगेन इसमें पावर स्टीयरिंग तो है नहीं, तो बहुत ज़्यादा इसका हार्ड है स्टीयरिंग, इसमें डलता है यहाँ पे डीजल। ये इसकी रेस है, ये मुझे पता नहीं भाई क्या चीज़ है। अब यूट्यूब पे आकर एक चीज़ नहीं चल रही है आजकल, नई प्रोजेक्ट कार्स प्रोजेक्ट बाइक्स। तो लोग क्या करते हैं अपनी मनमानी की चीज़ करते हैं, लाइक प्रोजेक्ट कार बना देते हैं खुद की मर्जी की। तो मैं खुद का ट्रैक्टर बनाऊंगा, इसमें केबिन भी हो, और यहाँ पे एग्जॉस्ट लगाएंगे, मज़ा आ जाएगा। वो एक तरह से ड्रीम होगा, ड्रीम कम ट्रू। और यहाँ पर इसमें जो एग्जॉस्ट है ना बढ़िया हो जाएगा। लेकिन फिर इसको लेंगे किस पे, लीज पे? ये गाड़ी हम लीज पे लेंगे या परचेज करेंगे, ये तो 1-2 दिन में दिखाएंगे कि पेपर्स कैसे लिए जाते हैं, गाड़ी कैसे खरीदी जाती है, ठीक है ना। अब बाई चांस कई लोग कह रहे हैं कि लीज पे ली है गाड़ियाँ, तो ये तो अब दिखाएंगे। पेपर हमारे पास है, हो सकता है उन्होंने गाड़ी लीज पे ली हो, या हो सकता है उन्होंने उधार ले रखी हो किससे, ये पता नहीं मुझे क्या है। तो ये होता है क्या है? अच्छा आप एक बात बताओ मेरे को, अभी तक तो मैंने कहीं सुना नहीं कि लीज में गाड़ियाँ मिलती हैं हिंदुस्तान में। कोई भी हाई एंड कार्स जो हैं जितनी भी, वो लीज पे नहीं मिलती, वो दुबई में मिलती हैं, इंडिया में कोई भी हाई एंड कार्स, मर्सिडीज, BMW या इससे ऊपर की जो अगर मिलती होती ना तो आज सबसे बड़ी कलेक्शन मेरी होती है इस कलेक्शन की। अभी तो हम अपने पेपर्स वगैरह हैं जो हमने परचेज करे हैं, हर गाड़ी के पेपर्स वो अब आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। हम दिखाएंगे अपने पेपर्स, बाकी लोगों को बोलना वो भी अपने पेपर्स दिखा दें। ऐसा ही वो सेइंग अर्लियर इन दिस वीडियो कि भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा शौक था कलेक्ट करने का, ट्रैक्टर देन जो होते हैं रोड रोलर्स एंड ऑयल। तो भाई तरह से बस इनकी बहुत बड़ी कलेक्शन थी जो कि आई यूज टू ब्रेक ईच एंड एवरी डे। फिर पापा लाते थे मेरे लिए रोज रोज एक ना एक नए टॉय। तो यहाँ पर भी पड़ा हुआ है सेंटी का ट्रैक्टर, ऐसे में बहुत सारे थे। लाइक उसमें आता था ट्रॉली, देन इसमें आता था एक टैंक वाला भी, तो बहुत सही लगते थे मेरे को ये। तो चलो खत्म करता हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पे ही। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड गाइस, मेक श्योर टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, आईडी विल बी ऑन द स्क्रीन। दैट्स इट, बाय एंड स्टे सेफ।